you think you're doing? Just collecting what I owe. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड ये वाली मेरी फेवरेट है जिसका नाम है द कंपेनियन। क्या होगा अगर आप अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुतला बनाओ एंड उस पुतले में जान आ जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो साल है 1987 की एंड यहाँ पर एक ब्रिज के नीचे एक छोटा सा झील है जहाँ पर एक लड़का फिशिंग कर रहा है जिसका नाम हैरल्ड है। उसके फेस पे हम काफ़ी सारे मार्क्स नोटिस कर पाते हैं जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि रिसेंटली इसकी किसी के साथ लड़ाई हुई है। यहाँ एक गोलू मोलू से लड़का आता है जो कि हैरल्ड का काफ़ी अच्छा दोस्त है। गोलू बच्चा उसके चेहरे को देखते हुए वरिडली पूछता है कि क्या बिली ने तुम्हारी यह हालत की, जिस पे हैरल्ड कूल बनने की कोशिश करता है एंड कहता है कि मैंने उसे काफ़ी मारा एंड उसकी एक आँख तो काली भी कर दी। गोलू बच्चा कहता है कि यहाँ से निकल जाना ताकि बिली उसे ना मार सके, लेकिन हैरल्ड कहता है कि पिछली बार भागने पर उससे कोई मदद नहीं मिली थी। यहाँ पर गोलू बच्चा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ और कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो एंड इसी के साथ वो अपने घर चले जाता है। हैरल्ड अब यहाँ पर अकेले चॉकलेट खा रहा होता है एंड उसे ब्रिज से किसी और के कदमों की आवाज़ आती है। ऊपर से कोई उसका साइकिल नीचे फेंक देता है एंड वो और कोई नहीं बल्कि बिली रहता है। हैरल्ड ने एक्चुअली में बिली की कार पर एक डेंट दे दिया था एंड बिली उससे तब से हर जगह मारते रहता था। हैरल्ड बिली से काफ़ी भीख मांगता है कि वो उसे ना मारे, लेकिन बिली कहता है कि मैं यहाँ पर जो मैं वो करता हूँ वही लेने आया हूँ एंड उसे काफ़ी मारना स्टार्ट करता है। बिली से बचने के लिए वो झील की दूसरी तरफ भागता है जंगल में एंड भागते भागते शाम हो जाती है, लेकिन बिली अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। जंगल के बीच में हैरल्ड को एक घर दिखता है एंड गेट पर ट्रेसपासर स्टे आउट लिखा रहता है, यानी कि घुसपैठिए अंदर ना आना। लेकिन हैरल्ड बिली से काफ़ी डरा हुआ था एंड वो अंदर चले जाता है। अंदर जाने पर वो एक स्केयरक्रो देखता है लटका हुआ जिसके दिल में किसी ने एक लकड़ी घुसाई हुई थी। स्केयरक्रो यानी कि खेत में लगा हुआ पुतला जिससे चिड़िया पास नहीं आते हैं। लेकिन ये स्केयरक्रो काफ़ी क्रीपी था क्योंकि इसमें स्ट्रॉज के साथ साथ हड्डियाँ भी थी। हैरल्ड बिली की आवाज़ अपने नज़दीक आते सुन पुतले के दिल में से घुसाई हुई लकड़ी को बाहर निकालता है एंड अपने प्रोटेक्शन के लिए वहाँ से उसे लेकर भाग जाता है। वो छुपने के लिए एक जगह ढूंढ रहा होता है एंड वहाँ उस घर के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही वो दरवाज़ा बंद कर लेता है एंड तभी अचानक से दरवाजे पे कोई जोर जोर से दस्तक देता है। हैरल्ड दरवाजे के ऊपर से एक ग्लास से देख पाता है कि बाहर वही स्केयरक्रो का फिगर खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि ये उसका वहम है। वो खिड़की से बाहर दिखता है एंड बिली यहाँ पर हार मानकर अपने घर वापस चले जाता है। बिली तो अपने घर वापस चले जाता है लेकिन हैरल्ड नोटिस करता है कि पहले स्केयरक्रो जहाँ था अब वो अपनी जगह पे वहाँ नहीं है। अचानक से इधर दरवाजे के नीचे से कुछ रूट्स जैसी आती हैं और डोर को अनलॉक कर देती हैं। हैरल्ड देखता है कि वो भयानक सा स्केयरक्रो उसकी तरफ बढ़ रहा है एंड वो जल्दी से उससे डरते हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। सीढ़ी पर चढ़ते वक्त सीढ़ियाँ टूट जाती हैं एंड हैरल्ड सीधे बेसमेंट में नीचे गिर जाता है। बेसमेंट में गिरने पर उसे काफ़ी चोटें लगती हैं एंड जब पलट कर ऊपर देखता है स्केयरक्रो उसे ऊपर से घूर रहा होता है। हैरल्ड खड़ा होता है ऊपर एंड वो जब देखता है कि उसके सामने एक आदमी की लाश रहती है जिसने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया रहता है। नीचे एक सुसाइड नोट पड़ा रहता है जिसे हैरल्ड उठाकर पढ़ने लगता है और इसी के साथ हम पास्ट में चले जाते हैं यानी कि फ्लैशबैक टाइम। अब ये आदमी अपनी बीवी के साथ रहता है जिसका नाम मेविस रहता है। ये दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे होते हैं लेकिन एक दिन अचानक उसकी बीवी की मौत हो जाती है। इससे इस आदमी को काफ़ी उदासी रहने लगती है एंड ये अकेलापन नहीं सह पाता है। उसे एक दिन आइडिया आता है कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक दोस्त बनाएगा यानी कि एक कंपेनियन एंड घर में पड़े सारे सामान से एक पुतला बनाने की कोशिश करता है। एक दिन वो खेत में काम कर रहा होता है एंड उसी वक्त उसे ज़मीन में कुछ हड्डियाँ भी मिलती हैं। अब वो इन हड्डियों को भी उसमें पुतले में डाल देता है लेकिन फिर भी उसे कुछ कमी घटने लगती है, जैसे कि अभी भी कुछ चीज़ मिसिंग है। वो उसमें एक दिल लगाता है जो कि उसकी पत्नी ने मरने से पहले बनाया था। आदमी अपने क्रिएशन से काफ़ी खुश रहता है लेकिन एक दिन वो उस पुतले को जिंदा होते देख लेता है एंड ये बात उसे समझ नहीं आती है। लेकिन वो खुश था कि अब वो अकेला नहीं था, अब उसके पास भी एक दोस्त है। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक छोटी लड़की वहाँ कुकीज़ बेचने आती है।
आदमी खेत में काम कर रहा होता है एंड उसे कुछ एहसास होता है और जल्दी से पीछे पलटता है, पर उसे वहाँ पर स्केयरक्रो नहीं मिलता है। उसे अपनी जगह से गायब दिखता है। वो जल्दी से उसे ढूंढने जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्केयरक्रो ने उस नन्ही सी लड़की को मार दिया रहता है। पुतला वापस जाकर अपनी जगह पर लटक जाता है, लेकिन आदमी को काफ़ी अफसोस हो रहा होता है कि ये उसने क्या बना डाला, एंड गुस्से में अपनी छड़ी को लेकर उस पुतले के दिल में घुसा देता है, जिससे पुतला बेजान हो जाता है। फिर वो आदमी भी अंदर जाकर खुदकुशी कर लेता है। सीन वापस प्रेजेंट में आती है एंड हेरल्ड को अब स्केयरक्रो के कदमों की आहट सुनाई दे रही होती है। वो नीचे आ रहा होता है। जल्दी से आदमी के डेड बॉडी से गन छीन कर टेबल के पीछे छिप जाता है। पुतला नीचे आ जाता है और चारों ओर हेरल्ड को ढूंढने लगता है। यहाँ वो अपने मालिक के डेड बॉडी को देखता है एंड मानो उसे देखकर ये उदास हो रहा है। तभी हेरल्ड गन पीछे से आकर स्केयरक्रो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन में गोलियाँ नहीं होती हैं। वो गन से स्केयरक्रो को धक्का मारकर अपनी जान बचाते हुए ऊपर भागता है, लेकिन पुतला उसके पैरों को पकड़ लेता है एंड हेरल्ड नीचे गिर जाता है। हेरल्ड भगवान को प्यारा होने ही वाला था कि उसके हाथों में वो छड़ी फिर से लग जाती है। छड़ी जैसे ही उसके हाथों में आ जाती है, पुतला कोने में एक पालतू जानवर के जैसे बैठ जाता है। मौका देखकर हेरल्ड जल्दी से छड़ी उसके दिल में घुसा देता है एंड पुतला यहाँ बेजान हो जाता है। वो जान बचाकर यहाँ से चले जाता है। रुको रुको, स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हेरल्ड हमें बिली के रूम में जाते दिखाया जाता है, जहाँ वो एक सुई धागे से कुछ सील रहा होता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो बिली के ब्लैंकेट को उसके बेड से सील रहा होता है। एंड अब उस स्केयरक्रो का मालिक कोई और नहीं बल्कि हेरल्ड है, जो कि बिली से उसका बदला लेने आया है। एंड सीन यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।